और आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो बच्चे प्राइमरी क्लासेस में हैं अगर वो रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो जैसे हम सपोज इमेजिन करते हैं कि अल्फाबेट सिखाते हैं सबसे पहले हमें नीस में बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ हम नॉर्मली मानते हैं कि बच्चा हमारा नर्सरी क्लास में होता है उसको अल्फाबेट सिखाते हैं, उसको लर्निंग और राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्टिविटी होती है उनको कराते हैं और बच्चा धीरे धीरे प्रोफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद बच्चे का जो लेवल आता है उसको सिखाया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो उसको आगे की पूरी इंग्लिश को फाउंडेशन बिल्ड करता है और वो होता है फोनिक साउंड। फोनिक साउंड, वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बच्चा एज्यूम कर लेते हैं कि होता है एलकेजी में नर्सरी से प्रमोट होकर। ठीक है, जूनियर के लिए वट एवर इज द क्लास ऑफ रिपीट। ठीक है, तो अब उसके बाद बच्चा हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम उसको फोनिक साउंड सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। 26 लेटर हमारे मिलकर बनाते हैं 44 साउंड। इसमें कुछ वोवल साउंड होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये एक अलग पार्ट है, अलग चैप्टर से हैं, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस किया भी हुआ है, चैनल पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं फोनिक्स की। ठीक है, तो मिल जाएगी आपको। तो 26 लेटर से 44 साउंड्स बनाना सिखाते हैं, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर हम प्रोफिशिएंट करा देते हैं जब अल्फाबेट सीख चुके हैं और साउंड स्टार्ट कर चुके हैं, और नॉर्मली उसको प्रैक्टिस भी कराते हैं कुछ छोटे छोटे लेटर्स जैसे सी ए टी। तीन अल्फाबेट हैं, साउंड क्या है, का ए टेट कैट ए टेट कैट। तो इस तरह से छोटे छोटे इस तरह के वर्ड्स बच्चे क्या होता है स्टार्ट कर देता है रीड आउट करना। अब हम आ जाते हैं इसके बाद बच्चे के लेवल को लेकर वर्ड्स की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीख रहा है, और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा किस क्लास में आ चुका है। बच्चा हमारा आ चुका है यूकेजी क्लास में, या यूकेजी क्लास मान लीजिए या अपर केजी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उन वर्ड्स को और साउंड को प्रोफिशिएंट हो चुका है बच्चा, तो सीख रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, और बच्चे का जो लेवल है बढ़ के कहाँ पर आ चुका है, सेंटेंस पर। सेंटेंस पर, क्योंकि हमारा यूपीजी तक वर्क चल जाता है कि बच्चे को वर्ड्स कुछ वोकैबुलरी सिखा देते हैं और छोटे छोटे सेंटेंस में उनको प्रैक्टिस करा देते हैं। तो बच्चा प्रमोट होकर आ चुका है क्लास फर्स्ट में, जहाँ पर उसके सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और सब्जेक्ट्स उसके किससे पढ़ाए जाते हैं, सेंटेंस से और पैराग्राफ से। ठीक है, क्योंकि अब बच्चे का जो लेवल है फर्स्ट और सेकंड क्लास में वो हो चुका है कि उसको सेंटेंस और पैराग्राफ की हेल्प से उसके जो सभी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, और बच्चा सेंटेंस से धीरे धीरे पैराग्राफ पढ़ने लगता है और उसको समझने लगता है, और हम उसको हेल्प करते हैं कि उन चीज़ों को समझे। अगर हमारा बच्चा नहीं समझ पा रहा है फर्स्ट सेकेंड क्लास में आके भी रीडिंग नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ जो स्टेप्स हैं वो मिसिंग है, उनकी प्रैक्टिस कम कराई गई है, सिखाया गया कम उसको। तो मोस्टली ये वाला जो पार्ट होता है ये स्किप हो जाता है कई बार, कई रीजन, कई वेरिएबल रीजन्स होते हैं, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या है, स्टेप्स देखने हैं और हमारे बच्चे का जो लेवल है वो चेक करना है कि वो अपनी क्लास की जो बुक्स हैं उनको रीड आउट कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा तो प्लीज़ आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम हेल्प करेंगे आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आप कवर करा सकते हैं और बच्चा आपको प्रोफिशिएंट हो जाएगा रीडिंग में। रीडिंग पोर्शन इसलिए फर्स्ट लिया गया है इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज और सब्जेक्ट बच्चे को सिखाना है, और एज ए लैंग्वेज और सब्जेक्ट सिखाना है क्योंकि बच्चा लैंग्वेज की हेल्प से ही अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेगा और जो उसकी लर्निंग है उसको अच्छा कर पाएगा। क्योंकि जो एक्वायर करता है वो भी पॉसिबल है, क्योंकि उसका मोड ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है जब वो लिखेगा, एग्जाम्स करेगा, टेस्ट पेपर करेगा या बोलेगा, तो वो भी कब पॉसिबल है, जब उसकी लैंग्वेज अच्छी हो। लैंग्वेज अच्छी होगी जब उसकी ग्रिप है किसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। तो ये स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट स्टेप्स होते हैं कि जो हमें प्राइमरी क्लास में बच्चे को कवर कराना है। ठीक है, अगर कोई डाउट कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई रिलेटिव है आपका जिसका बच्चा है किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, रीडिंग नहीं कर पा रहा है, मे बी उनको हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।